नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी और दोस्तों प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज आपको बता रहा हूँ ओदम्स कपलिंग। दोस्तों ये हमारे पास एक ओदम कपलिंग का मॉडल है, इसके बाद द्वारा मैं आपको समझाता हूँ ये ओदम कपलिंग किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों ओदम कपलिंग का मेन काम रहता है दोस्तों, जो पावर का जब ट्रांसफ़र करते हैं ना किसी भी एंगल पर कर सकते हैं। दोस्तों देखो ये वाला एंगल कितना नीचे है, ये वाला एक साफ्ट नीचे, एक साफ्ट ऊपर है। जब एक साफ्ट से दूसरे ऊपर वाली साफ्ट में पावर ट्रांसमिशन करना हो उस समय ओदम कपलिंग का यूज किया जाता है। और बहुत सारी कपलिंग रहती है, यानी यूनिवर्सल कपलिंग रहती है, यूनिवर्सल ज्वाइंट रहता है, वो भी एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल पर आसानी से पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी किसी भी एंगल पर पावर को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये इस तरीके से ओदम्स कपलिंग है वो किस तरीके से काम करती है उसके बारे में आज आपको जानकारी देता हूँ। तो उसको जानकारी देने से पहले दोस्तों उसके अंदर इम्पोर्टेंट कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं और उनका क्या काम रहता है, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये हमारे पास एक ओदम कपलिंग है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके ऊपर जो एक मेरे पास एक डायग्राम है उसके बाद उसके द्वारा भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये साफ्ट रहती है दोस्तों, ये साफ्ट दिख रहे हैं, ये वाली आपको ये साफ्ट रहती है। इस साफ्ट के ऊपर एक स्लॉट कटर रहता है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये स्लॉट कटर रहता है, उसके ऊपर एक की लगी रहती है। तो आपको ये दिख रहा हूँ, यहाँ पर ये साफ्ट रहती है, इसके ऊपर एक स्लॉट कटर रहता है और ऊपर इसके की लगी रहती है। तो की क्या करती है दोस्तों, ये साफ्ट ये कपलिंग है ना, इस कपलिंग के ऊपर लगी रहती है, यहाँ पर लगी रहती है और ये फिट हो जाता है इस तरीके से। साफ्ट की इसके बाद ये फ्लेंज रहता है दोस्तों, ये फ्लेंज दिख रहा है, ये फ्लेंज रहता है, ये फ्लेंज के देखो इस तरह पे ग्रूव कटा रहता है और दोनों तरफ इसके अंदर ये ग्रूव कटे हुए रहते हैं, दिख रहा है ये वाले, ये आपको दिख रहा है, एक ये ग्रूव है, ये वाला रहता है। और जो सेंटर का रहता है दोस्तों उसको सेंटर डिस्क बोलते हैं, ये वाला, ये सेंटर डिस्क बोलते हैं। इस डिस्क के ऊपर दो लेग लगे रहते हैं, लग बने रहते हैं दोस्तों, एक दिख रहा है ये वाला लग रहता है और एक ये ऊपर वाला रहता है, एक लग रहता है दोस्तों इस फ्लेंज से में फिट हो जाता है और दूसरा वाला लग इस फ्लेंज में फिट हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये सेंटर जो डिस्क रहती ना उसी के द्वारा ये आप किसी एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक पावर ट्रांसमिशन कर सकते हो। तो ये सेंटर डिस्क का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों, ठीक है। वो किस तरीके से वर्क करेगी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ये पता चल गया है, ये साफ्ट होती है, ठीक है, इसके ऊपर की लगी रहती है, ये फ्लेंज होती है, ये सेंटर डिस्क होता है, फिर फ्लेंज होती है, उसके ऊपर दो ग्रूव कटे रहते हैं और एक फ्लेंज इसके ऊपर ग्रूव कटे रहते हैं, एक इसके ऊपर भी ग्रूव कटे हुए रहते हैं। इसके बाद फिर वापस इसके अंदर ये साफ्ट रहेगी, इसके ऊपर एक की रहेगी इस तरीके से, ये वाली की हुई, इसके बाद ये साफ्ट हो गई। तो इसके पार्ट्स हो गए आपके साफ्ट, फिर आपका की, फिर फ्लेंज, फ्लेंज के ऊपर दो ग्रूव लेते हैं, सेंटर डिस्क, इसके ऊपर एक इधर साइड के लग बने हुए थे, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, दो रहते हैं, एक ये इस साइड रहता है, एक इस साइड रहता है। इसके बाद फिर ये फ्लेंज हो गई, की हो गई, इसके बाद ये साफ्ट हो गई। अब ये दोस्तों किस तरीके से वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर मिली, यानी आपकी ये मोटर है और ये पंप है। अब मोटर आपकी इस जगह फिक्स है और पंप की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, तो इस समय आपका फ्लेंज ये वाले ओदम्स कपलिंग का यूज करके आप पावर को ट्रांसमिशन कर सकते हो। वो किस तरीके से करती है देखो, ये सेंटर डिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखो ये नीचे चली जाती है, ये ऊपर आ जाती है इस तरीके से, देखो ये आई, ये नीचे चली जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी। ये सेंटर डिस्क की वजह से ये ओदम कपलिंग का यूज किया जाता है। तो पावर यहाँ मोटर से हुई और पावर आपके पंप पर आसानी से पहुँच जाती है। देखो ये इसी का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, JP University, गुना, मध्य प्रदेश। थैंक यू।